बहुत शुक्रिया। हरियाणा से हैं अनीशा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मैम मेरी ना गुड़िया है 17 साल की, तो उसको ना मुंह में छाले पड़े हुए हैं और उसका ना गला भी पका हुआ है और उसको भूख भी नहीं लगती ठीक से। ठीक है ठीक है। और जलन सी रहती है छाती में थोड़ी सी। और एक मेरा भाई है 30 साल का, उसका ना पेट बड़ा हुआ है, 80 किलो वजन है उसका। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, आपकी भी आवाज़ गुड़ियों जैसी है, बच्चों जैसी, लेकिन आपकी गुड़िया ही 17 साल की है, बहुत अलग टाइप की आवाज़ है आपकी, बच्चों जैसी, माफ़ कीजिएगा बुरा नहीं माने। और गुड़िया के लिए एक तो नारियल खिलाया करें, नारियल आता ना कच्चा नारियल, वो खिलाएं, नारियल पानी पिलाएं, इसी से फ़ायदा होना मुमकिन है। खूब कसरत से खिलाएं, मतलब ज़्यादा खिलाएं, कसरत मतलब ज़्यादा खिलाएं, और कोई चीज़ गर्म खाती है तो उसे रोक दें, और इससे उसको हाजमा भी अच्छा होता है। ये तो एक घरेलू नुस्खा मैंने बता दिया। अच्छा देखिए, धनिया 200 ग्राम और ज़ीरा 100 ग्राम और सौंफ 100 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम और ज़ीरा 100 ग्राम, इनका पाउडर बना लें, इसको पीस लें, पाउडर बना लें। और एक आता है नमक जैतून, ये एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं। नमक जैतून असली लेना, 2 गिलास पानी मिलाकर गुड़िया को आप 1 चम्मच ये जो पाउडर बनाया है खिला दें, छोटा चाय का चम्मच भर के, और ये 2 गिलास पानी पिला दिया करें। आपकी बच्ची की सारी परेशानियाँ अच्छी होना मुमकिन है। और आपका भाई जिसका पेट ज़्यादा है, एक तो उसे खाना कम करना पड़ेगा, जितनी खुराक है उससे आधी कर दें, और 1 घंटा पैदल चलें, 5 बार गर्म पानी पिया करें, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और एक आता है ज़ीरे का सिरका, ज़ीरे का सिरका, ज़ीरा तो आप जानते हैं, इसका सिरका आता है, ये 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पिया करें, तो ये वज़न का, कोलेस्ट्रॉल का और पेट का दुश्मन है। आप इन्हें ये मंगा के दीजिए, ज़ीरे का सिरका लेना है, याद रखें और इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। जी देहरादून से हैं रूपी चंद्र जी, स्वागत है आपका। जी सर बताइए। मैम मुझे 1 महीने से बुखार मुझे छोड़ नहीं रहा। मैम उम्र कितनी है आपकी? 56 साल। क्या बताया डॉक्टर्स ने आपको? डॉक्टर ने जांच तो मेरी कई वो हो गई, कई 5,000 के करीबन की मेरी जांच हो गई, पर उसमें इन्फेक्शन बता रहे हैं, बाकी कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, इन्फेक्शन वाले बुखार वालों को चाहिए कि देखिए अरंडी का तेल, तेल अरंडी का, इसे कैस्ट्रॉल ऑयल कहते हैं, और ये मेडिकल स्टोर्स पर मिलता है, अधिकतर मिलता है, गांवों तक में मिल जाता है, तो ये ख़रीद लें 100-200 ml। और एक आता है नमक जैतून, ये एक विशेष किस्म का नमक है जो इन्फेक्शंस को का दुश्मन है, ये देखने में नमक जैसा ही होता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता, ये आप ले लें नमक जैतून, ये अलग-अलग रखें। जो अरंडी का तेल है ये 1 चम्मच पीजिए, फीका होता है, ज़रा गाढ़ा होता है अरंडी का तेल, या कैस्ट्रॉल ऑयल कहते हैं, और नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं, 1 चुटकी बस, ये काफ़ी तेज़ होता है, और ये 2 गिलास पानी पी लें, गर्म पानी हो तो बहुत अच्छा है, और ये तेल पीने के बाद 2 गिलास गर्म पानी पी लिया करें दिन में, बस 1 बार या 2 बार, कभी भी खाने से पहले, खाने के बाद ये लिया करें, आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है।